प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जी जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले ही देर हो चुकी है। हाँ मालूम है। कितने दिनों बाद देवी माँ के मंदिर में जागरण है, आज पूरी रात हम माँ के चरणों में ही रहेंगे। हाँ समझ गया बाबा, समझ गया। तुम तैयार हो गए हो तो जल्दी से नीचे आना, मैं भी तैयार हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हद है, जब से तुम ये किताब लाए हो इसके पीछे ही पड़े हो, आखिर है क्या ऐसा इस किताब में? तुम्हें पता नहीं, ये किताब आंखें खोलती है, लाओ। तो फिर आंखें खोल के देखो। क्या देख रहे हो? तुमने कहा आंखें खोलकर देखो, हमने देखा, बहुत आनंद आया। अब तो ये कुर्ता पहनो, मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? मंदिर। मेरा वहां आना जरूरी है? जी जरूरी है। देखो देवी जी, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ, अभी समझ लो मैं आपके साथ हूँ। लाओ ये कुर्ता पहनो और मेरे साथ चलो। लेकिन वहां आकर मैं क्या करूंगा? ठीक है, तुम नहीं आना चाहते? नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे अरे बैठो तो, गुस्सा हो गई? अच्छा बाबा हम साथ चलते हैं, अब तो आसो। चलो। सर सुना आपने, दुर्घटना हो गई? क्या हुआ?
शिवराम मास्टर, उसको मारा और उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया। किसने? गिरधर का नाम सुनने में आया है। गिरधर? मारपीट का केस तो साबित हो जाएगा, लेकिन बलात्कार का केस साबित करना जरा मुश्किल होता है। और फिर आपके सिलसिले में तो फिर जैसे सवाल वकील पूछते हैं, कोई शरीफ औरत अदालत में उनका जवाब नहीं दे सकती। यानी आपका मतलब है कि मैं? देखिए, बलात्कार का इल्जाम रहने दीजिए, दफा 325 में मारपीट का मामला दर्ज कर लेते हैं। आप समझते क्या है? आप समझते क्या है? उस चोट को भूल जाओ जो मेरी पत्नी की आत्मा पे लगी है। मैं जानता हूं क्या होगा, लेकिन जो कीचड़ मेरे मुंह पे लगेगी वो मैं उसके मुंह पर भी मलूंगा। उसको इस काबिल नहीं रहने दूंगा कि अपनी बीवी, बच्चों और लोगों के सामने मुंह लेकर निकल सके। ठीक है, मैंने सिर्फ बता दिया। पुलिस वहां तक जा सकती है जहां तक वकील जाने देते हैं। आप उन्हें ले आइए, हम डॉक्टरी मुआयना करा देते हैं। जो सुना है सच है? अब तक क्या किया है? जी, इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूं। इनके बयान लिए। जिन्होंने इनको मारा उनमें से सिर्फ एक को ये पहचानते हैं, स्कूल के मैनेजर को। हाँ, मगर इनके पत्नी ने तो साफ साफ गिरधर जी कोई गिरफ्तारी की? जी वो तो सुनो, इस मामले में ढील नहीं दी जाएगी। जिनके नाम लिए है फौरन गिरफ्तार कीजिए और बाकियों का पता लगाइए। ओके सर। डॉक्टरी मुआयना हो गया? जी ले जा रहा हूं। देखो मुआयने में कोई गड़बड़ ना हो। जी लेकिन इस मामले में कोई दखल नहीं देगा। आप गिरफ्तारियां कीजिए, दबाव पड़ा मैं देखूंगा। ओके सर। देखिए, आप मुझसे केस करवाना चाहते हैं तो सच बोलिए। आपने इज्जत लूटी, हाँ लूटी, ये जानते हुए भी कि इससे आपकी आबरू खाक में मिल सकती है। जिसने हमारी बिरादरी की नाक काट डाली, हमारी जात की बेटी को बहकाया, मैं उसे बर्बाद कर देना चाहता हूं वकील साहब। लेकिन ये राम नरेश बीच में आ रहे हैं। राम नरेश? लेकिन आप तो उन्हें मैं उन्हें सब कुछ देता हूं, लेकिन क्या है कि हमारी उतनी वोटें नहीं है जिससे वो जीत सके। इसलिए छोटी जात और जलाहों से मिल गए। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम, पार्टी इन पावर बीच में आ रही है। शर्मा साहब जी इधर आइए। देखिए, इनके एंटीसिपेटरी बेल का इंतजाम कराइए। सर पहले इनकी हो जाए, फिर इनके आदमियों की कराइए। सर बेल शाम तक हो जाएगी। तब तक दे दिलाकर या जैसे भी हो पुलिस को दूर रखिए। अच्छा। मुझे दुख है आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मैं अपनी ओर से
और बुद्धिजीवियों की ओर से संवेदना प्रकट करता हूं। मैंने अधिकतर नारी जाति पे लिखा है, जो भी उसके साथ होता है। आपकी धर्म पत्नी पे जो गुजरी है, मैं चाहता हूं उस पर एक नाटक लिखूं। देखिए, मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं। देखिए देखिए, मैं एक देखिए, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो ठीक से बोल नहीं पाती। आने के लिए धन्यवाद। वाह, धन्य है वकील साहब, आपने तो आबरू बचा ली। बैठिए बैठिए जी। सारी बिरादरी और पूरी सूत एसोसिएशन आपकी आभारी है। किरदार जी, जी, पुलिस ने आपकी बेल की जिस तरह मुखालफत की, मुझे बहुत शर्मारना पड़ा। हाँ। आपकी बात सही लगती है कि राम नरेश जी इस केस में इन्वॉल्व हैं। हो सकता है गवाही दें। क्या? बहुत वजन रखती है उनकी गवाही। जैसे भी हो, उन्हें रोकिए। क्या करूं? लेकिन देखिए गिरधर जी, ऐसे केसेस में दो चीजें काम करती हैं, पैसा और पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल प्रेशर मैं कहां से लाऊंगा? वो मैं आपको बताऊंगा। आप एक बार राम नरेश जी से मिलकर आइए। कहिए, कैसे तकलीफ की? बस आपकी शरण में आए हैं। पेशगी जमानत तो करवा ली, अब बाकी जो बचा है वो भी करवा लीजिए। आपके पास तो पैसे की ताकत है। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास क्या है? हम क्या हैं? क्या हैं हम? इब्न भूमिहीन, जो आप हमारी सुनेंगे। अब तक किसकी सुनी है? उनकी जिनका दम भरता हूं, या आप लोगों की, जिन्होंने जीपे कारें चंदे देकर मुझे ऐसा बना दिया है कि जाता उनकी तरफ से हूं और पाता आपके पास हूं। पेड़ उनके लिए लगाता हूं और फल आप ले लेते हैं। अब जो भी लेते हैं आप ही से लेते हैं, और आज भी जो लेना मतलब है ये, मैं आपका साथ दूं। देखिए, वो छोटी जात का ही नहीं, उस गांव का है जहां हमारी जमीनें छीनी गई। उसका बेटा है जो हमारे डंगर चराता है। वो आपके डंगर चरा सकता है, आपके डंगर जैसे बेटों को पढ़ा नहीं सकता। आप उसे खेत में रख सकते हैं, स्कूल में नहीं। स्कूल हमारी बिरादरी का है। तो फिर उसमें झाड़ू आप क्यों नहीं देते? टट्टी पेशाब आप क्यों नहीं साफ करते? इसके लिए उन्हें क्यों रखते हैं? देखिए, जो उसने किया। क्या किया उसने? आपकी उस बिरादरी की लड़की के साथ शादी की है, और आपने अपनी उस बिरादरी की लड़की के साथ क्या किया? जो कुछ भी किया, आपका तो साथ दिया, इलेक्शन में भी और वैसे भी। आज आज अपने पे विपदा आई है तो अपने के पास आए हैं। अब अपने साथ नहीं देंगे तो कहीं और अलग जगाएंगे। धमकी देते हैं, जाइए ऊपर, जगाइए अलग। मैं जानता था राम नरेश जी नहीं मानेंगे। कुछ ना कुछ तोड़ निकालना ही होगा। लेकिन कहीं अगर उन्होंने गवाही दे दी तो? आप वो सांवरे जी को जानते हैं? सांवरे जी कौन? अच्छा, ये जिनका हसनपुर चुनाव क्षेत्र में बाय इलेक्शन हो रहा है। आपके बिरादरी के हैं। उन्हें लेकर मुख्यमंत्री के पास जाइए। वो क्या करेंगे? उनके चुनाव क्षेत्र में आपकी बिरादरी वालों की मेजॉरिटी है। अपने जात वालों को लेकर उनके पास जाइए। सांवरे जी आपकी सुनेंगे, मुख्यमंत्री जी उनकी सुनेंगे,
और राम नरेश जी नूरे जी, और कोई गवाही दे न दे, इस मुकदमे में हम गवाही जरूर देंगे। क्यों नहीं, मास्टर जी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन एक मुसीबत है। क्या? अब हमने इस वाकये को अपने आंखों से तो देखा नहीं। तो क्या हुआ, मैंने मास्टर जी को लहूलुहान देखा है। हाँ, ये बात तो ठीक है। मैं अदालत में हलफ उठा के कहूंगा कि मैंने अपनी रिक्शा में बैठा के मास्टर जी को उनके घर ले गया था। लेकिन लेकिन तुम पलट मत जाना। हरगिज़ नहीं। चाहे कोई पैसे का लालच दे या और किसी किस्म का दबाव डाले, ऐसे कभी नहीं होगा चाचा। शाबाश। गीता पे हाथ रख के कहिए कि मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आपका नाम? सरस्वती। आपके पति का नाम? शिवराम। 24 अक्टूबर की रात को 9 बजे आपके साथ क्या हुआ? मैं और मेरे पति देवी मंदिर पूजा के लिए जा रहे थे, इतने में कुछ गुंडे हमारा पीछा करने लगे। बचाव के लिए हम पास के एक तबेले में घुस गए। गुंडों ने हमें वहां घेर लिया। उन्होंने इन्हें मारकर बेहोश कर दिया और मुझे घसीट कर कमरे में ले गए। वहां कौन था? इनके स्कूल के गिरधर। उन्होंने आपके साथ क्या किया? देखिए देखिए, मैं जानता हूं कि इस सवाल का जवाब देना किसी भी माँ बहन और बेटी के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन लेकिन अदालत तभी आपकी मदद कर सकती है जब आप अपने मुंह से बताएं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। बताइए प्लीज। उन्होंने जबरदस्ती पे इज्जत लूट ली। That's all, my lord. May I proceed, my lord? Yes, you may proceed now. Thank you, my lord. सरस्वती देवी जी, अभी अभी आपने कहा कि आप घर से मंदिर पूजा के लिए रवाना हुए। जरा यह बताइए कि यह बात मंदिर जाने के बाद किसने उठाई, आपने या आपके पति ने? मैंने। यानी कि मंदिर आप जाना चाहती थी, वो नहीं?
जी हाँ, लेकिन जब मैं अकेली जाने लगी तो वो साथ आ गए। ओहो, मतलब वो नहीं आना चाहते थे, आप जाना चाहते थे, लेकिन जब आपको अकेली जाते हुए देखा तब वो आ गए। जी मिलॉर्ड, इसे प्लीज नोट कर लिया जाए। यस। सरस्वती देवी जी, आप ब्राह्मण हैं? जी। और आपके पति वो क्या है? वो छोटी जाति के है। ओहो, फिर भी आपके पिता ने आपकी शादी उनसे कर दी? शादी उन्होंने नहीं की। तो हम दोनों ने आपकी प्रेम विवाह। सरस्वती देवी जी, जब आपने प्रेम विवाह किया है, आप एक दूसरे को काफी पहले से जानते होंगे, है ना? जी। कितने पहले से? कोई एक साल से। आप उनके घर जाती थी या वो आपके घर आते थे? वो आते थे। आपके पिता एक छोटी जात के आदमी को अपने घर पे आने देते थे? जी, मेरे पिता बीमार रहा करते थे, घर में हाथ का बाहर का काम करने वाला कोई था नहीं। हाँ, यानी मदद की जरूरत थी। जी। अब जरा ये बताइए सरस्वती देवी जी, के पंडित होने पर भी आपके पिता सिर्फ शिवराम से ही मदद क्यों लेते थे? जी, और उनसे भी लेते थे। आप ये कहना चाहती हैं कि इनकी तरह और भी थे जो आपके घर पे आया करते थे? जी। नाम गिना सकती हैं? जी। उनके नाम गिनाइए जो आपके घर पे आया करते थे इनकी तरह। मुझे मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने कि वहां ऐसे ऐसे और इतने लोग आते थे कि आपको उनके नाम भी याद नहीं। खैर, उसका नाम तो याद होगा। किसका? जिससे मिलने के लिए उस रात आप मंदिर जा रही थी। जिससे आपके पति का झगड़ा हो गया। मेरे पति का? हाँ, वही जिसने आपके पिता के मकान का एक साल का किराया अदा किया। कामता प्रसाद। That's it. मिलॉर्ड, इसे नोट कर लिया जाए। That's all, मिलॉर्ड। गीता पे हाथ रख के कहिए कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। शिवराम जी, जी आप सरस्वती देवी के पति हैं? जी हाँ। उस रात जब आप सरस्वती देवी को पूजा में लेकर गए, क्या उनकी मुलाकात किसी कामता प्रसाद नाम के आदमी से हुई? जी नहीं, ये झूठ है। वो मेरे साथ थी, उन्हें कोई नहीं मिला। वहां गिरधर जी के आदमियों ने हमें घेर लिया। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो गिरधर जी के आदमी थे? वहां गिरधर जी के मैनेजर वो राम प्रसाद। हाँ, राम प्रसाद उनके साथ थे जो गुंडों को लेकर वहां आए थे। गिरधर जी से आपकी कोई रंजिश है? जी हाँ, वो मुझ पे नाराज है। मैं उनके एक कमेरे का बेटा हूं। राम नरेश जी एमएलए साहब के कहने पर उन्हें मुझे स्कूल में रखना पड़ा। मैं जुलाहों को लेकर एमएलए साहब के पास गया था और उनकी जाति की लड़की से मैंने शादी की है। इस वाकये से पहले गिरधर जी ने आपको कोई धमकी दी थी? जी हाँ, एक दिन पहले ही मुझे नौकरी और मेरी धर्मपत्नी को उनके यहां छोड़कर चले जाने के लिए कहा था। अब आखिरी सवाल, ऐसा गिरधर जी ने क्यों किया?
किसी निजी कारण से या सांप्रदायिक नफरत और भेदभाव से? सांप्रदायिक नफरत और भेदभाव से। That's all, my lord. Your witness. You may cross examine. Thank you, my lord. Mr. Shivram, आपकी पत्नी सरस्वती देवी ने यह माना है कि आपका उनसे प्रेम विवाह हुआ है। जी हाँ। विवाह के कितने साल पहले से आप उन्हें जानते थे? एक साल पहले से। आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे? ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे? वो बाद में हुआ। आप दोनों कहां मिला करते थे? जी, आप दोनों कहां मिला करते थे? मैं समझा नहीं। झूठा बयान घड़ने के लिए समय मत लो। तुम और सरस्वती देवी दोनों कहां मिला करते थे, घर में या बाहर? घर में। कौन कौन होता था घर में? जी, घर में कौन कौन होता था? उनके पिताजी, बहन जी। अच्छा, यानी कि तुम जब भी मिले उनकी मौजूदगी में मिले है? हाँ। जी हाँ। उन्होंने कभी कोई इतराज नहीं किया? जी नहीं। हाँ। उन पर, सरस्वती देवी पर भी इतराज नहीं किया? मी लॉर्ड, मेरे गवाह को बहकाया जा रहा है, सवाल उलझा कर पूछे जा रहे हैं। ऑल राइट ऑल राइट, आई नो व्हाट टू आस्क एंड हाउ टू आस्क, राइट? अदालत के लिए मैं दूसरी तरह से पूछूंगा। मिस्टर शिवराम, आपकी पत्नी ने यह माना है कि उनके पिता के घर में आपकी तरह और आदमी भी आते थे। आपने कभी उनको, सरस्वती जी के पिता को, किसी पर इतराज करते देखा? जी नहीं। हाँ। जानते हो एक जवान और खूबसूरत बेटी का बाप शहर भर के जवान लौंडों को अपने घर में कब आने देता है? जब वो अपनी लड़की से पेशा करवाता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यू कांट ऑब्जेक्ट। मैं अपना पक्ष पेश कर रहा हूं और वो ये है मिलॉर्ड, कि इनका झगड़ा मेरे मुवक्किल से नहीं हुआ। इनका झगड़ा अपनी पत्नी के पुराने प्रेमी कामता प्रसाद से हुआ, जिनसे मिलने के लिए इनकी पत्नी अकेली मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन ये साथ चले गए और मारपीट हुई और गुस्से में आकर इन्होंने अपने पत्नी के कपड़े भी फाड़ दिए। ये झूठ है, गलत है, मनगढ़ंत कहानी है मिलॉर्ड। नहीं, ये सच है, जिसे मैं साबित करूंगा जब मेरे गवाह पेश होंगे। थैंक यू मिलॉर्ड। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। तुम यहां क्यों आए हो? आज आपने कोर्ट में, देखो, कोर्ट की बात कोर्ट में होती है। मैं आज यहां इसलिए आया हूं कि मेरा घर तबाह हो रहा है, आप जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानता। वकील जो जानता है
उस वक्त बेमानी हो जाता है जब वो किसी पार्टी का केस ले लेता है। लेकिन ये केस किसी पार्टी का नहीं, आप मेरी धर्मपत्नी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ वो कर रहा हूं जो मेरा मुवक्किल चाहता है। अदालत को दोनों तरफ के बयान चाहिए। आपका वकील पेश कर रहा है, मैं पेश कर रहा हूं। आप गलत पेश कर रहे हैं साहेब, आप गलत पेश कर रहे हैं। जो मर रही है उल्टा उसका मुंह काला कर रहे हैं, वो कहीं की नहीं रहेगी। देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं सिन्हा साहब। मैं सिन्हा नहीं, मैं एक वकील हूं, और वकील का काम किसी का सच या झूठ जानना नहीं, कानूनी नुक्ते तलाश करना है। आदाब सर, कुरान शरीफ पात्र के कहूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। नूरा, तुम क्या करते हो? जी, हमारा खानदानी पेशा है हाथ खड्डी का, वैसे मैं रिक्शा भी चला लेता हूं। 24 अक्टूबर की रात को तुम कहां थे? कुछ 11:30 बजे के बीच जब मैं रिक्शा चला के आ रहा था तो देखता हूं कि कुछ लोग मास्टर निजी को जख्मी हालत में फेंक कर चले गए। तुम उन्हें पहचान सकते हो? जी हाँ, यही लोग तो थे वो। फिर तुमने क्या किया? जी, मैं मास्टर निजी को अपनी रिक्शा में बिठाकर उनके घर ले गया। दैट्स ऑल योर ऑनर, योर विटनेस। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम नूरा है। नूरा? जी हाँ। नूरा, तुमने ये बयान दिया है कि तुम रात को 11 बजे सरस्वती देवी को अपनी रिक्शा में बिठाकर चौक से ले आए, जिन्हें ये आदमी वहां फेंक कर भाग रहे थे। जी हाँ हुजूर। तुम झूठ बोल रहे हो, ये फेंक कर नहीं भागे। तुम्हारे इनसे आमने सामने जमकर लड़ाई हुई और तुमने अपनी रिक्शा से छुरा निकालकर इन पर वार किया था। जी बिल्कुल गलत, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा तो इनका आमना सामना ही नहीं हुआ। मैंने तो इन्हें जब देखा कि जब वो मास्टरनी जी को फेंक कर भाग रहे थे। यानी कि पीछे से देखा? जी जी हाँ हुजूर। मिलॉर्ड, इसे नोट कर लिया जाए, इन्होंने भागते हुए आदमियों को देखा, मतलब पीठ देखी, चेहरे नहीं। इनकी शनाख्त झूठी है, दैट्स ऑल। क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, वो मेरी पत्नी पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, गवाहों से कुछ का कुछ कहलवा रहे हैं। आप हमारी तरफ से गवाही दे दें ताकि वो सजा पा सके। लेकिन मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। लेकिन जिस दिन आप नाटक लिखने आए थे उस दिन भी आपने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था। हाँ, मैंने सिर्फ सुना था। लेकिन सच माना था, सच मानकर जैसे आप लिखने आए थे वैसे ही गवाही दे दीजिए। दे देता, लेकिन वो झूठी गवाही होगी। लेकिन उस दिन तो आपने कहा था जहां भी जब भी आदमी कराएगा आप उसकी मदद करेंगे। हाँ, कहा था, लेकिन अदालत में झूठ बोलने पर मुकदमा चल सकता है। और झूठे नाटक लिखने पर सम्मान मिलता है, पदक मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं। आप मेरी पत्नी का इंटरव्यू लेकर नाटक लिख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो अत्याचार हुए हो रहे हैं उसे रोकने के लिए आप एक गवाही तक नहीं दे सकते। ओ वाह, आ
कहां थे अब तक? न खाया न पिया, अपना हाल देखा है? मुकदमा हक में नहीं होगा तो सुबह से निकले रात तक मारे मारे ये मुंह निकाल कर घर लौटोगे? नहीं सहा जाता मुझसे तुम्हारा ये भूखे प्यासे लोगों के पीछे फिरना। मुझे घर में रख लिया है तो सबर भी कर लो। कर लेता। तूने अपनी जात छोड़कर मुझे अपना हाथ थमाया। अपनी जात के औरतों की बेइज्जती पर चुप रहने की तरह तुम्हारी बेइज्जती पर चुप रहकर उनकी जून मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुमने मुझे नीची जून दी है। रामचंद्र जी की तरह तुमने लंका नहीं फूंकी, रावण नहीं मारा, लेकिन सीता जी की तरह तुमने मुझे आग में तो नहीं झोंका। जैसी आई वैसी घर में रख लिया। मुझ पर विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर मुझे चाहिए। अगर उन्हें सजा नहीं दिलवाऊंगा तो लगेगा वही रह गया जो था। नमस्कार नमस्कार। अरे, आप वाह 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 वाह, मान गए हुजूर, मान गए। बैठिए। ए जी। क्या हुआ? कीली शेषनाग के फन पर बैठ गई। मैं समझा नहीं। जी आपने कहा था ना कि साम्र जी को लेकर मुख्यमंत्री से मिलिए। तो आप मिल लिए? वहीं से आ रहा हूँ। सांवरे जी ने साफ साफ कह दिया कि राम नरेश जी के इस केस में हिस्सा लेने से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग बिगड़ गए, मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। फिर उसी वक्त राम नरेश जी को बुलाया, कह दिया। वो मान गए? मान गए। झाग की तरह बैठ गए, बकरी की तरह। एक बार मिमी आए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है ये वो, उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन 3 साल के बाद होने वाले हैं और हसनपुर में अब है, इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हसनपुर का इलेक्शन खटाई में पड़ जाए, जाइए। मैंने आपसे कहा था ना। वाह, अरे चाणक्य अब हम नहीं आप हैं। धन्य। वो मेरी पत्नी का कानून का इंसाफ का मजाक उड़ा रहे हैं। जानता हूं, मैं खुद भी एक मजाक हूं, कह सकता हूं, कुछ हद तक कर सकता हूं, फिर पराए नहीं मेरे अपने मुझे रोकते हैं। लेकिन अब देखो, आदमी लड़ता है जब तक स्वस्थ रहता है, जब तक उसके खून में रेड सेल ज्यादा होते हैं, जब कम होते हैं हार जाता है, बीमार हो जाता है, लड़ने की ताकत नहीं रहती, समझे? जाओ। इस तगासे का कोई और गवाह बाकी है? नो मिल लॉर्ड, आप अपने गवाह पेश कीजिए। थैंक यू मिल लॉर्ड। कामता प्रसाद वलकार का प्रसाद हाजिर हो। नमस्कार साहब। जो भी बोलूंगा सच ही बोलूंगा, और क्या बोलूंगा। आपका नाम? कामता प्रसाद। आप सरस्वती देवी को जानते हैं? जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं? जी, दानापुर में अक्सर आया करती थी मेरे पास। आपके पास क्या मतलब, उनके माता पिता उन पर इतराज नहीं करते थे? वो खुद भेजते थे। खुद? समझते तो हैं नहीं आप, पैसों की जरूरत नहीं रहती क्या? और आप देते थे? और क्या करता, कोई आ जाए लग के बैठ जाए, पैसे मांगे, कौन नहीं देगा? उनके पिता ये सब जानते थे? हैं? जो अपनी बेटी को दूसरों के घर भेजे, शहर भर के लौंडों को घर में बुलवाए, बेटी से मिले पैसों को नोली में ठूसे, नहीं जानेगा? नहीं, नहीं नहीं, लेकिन सरस्वती देवी का यह कहना है, यह बयान है कि आपने उनके मकान का 1 साल का किराया अदा किया। हाँ वो भी किया। अब ये बताओ कि
आपसे वो इतने पैसे लेते थे तो आपको दामाद क्यों नहीं बना लिया? हवस बढ़ गई थी बाप की, पहले मेरे पास भेजता था, फिर दूसरों के पास भेजने लगा, फिर तो बेटी से खुलेआम पैसा करवाने लगा पंडित। मिलोड ये सब अभी नहीं, क्रॉस में पूछ सकते हैं। थैंक यू मिलोड। कांता प्रसाद, 24 अक्टूबर की रात को आप कहां थे? इसी शहर में था। इसी शहर में? हाँ। क्यों? क्यों मतलब? माल खरीदने आया था। अच्छा अच्छा। हाँ तो फिर? तो उस वक्त आप सरस्वती देवी से मिले? मैं काको मिलता? अचानक बाजार में मिल गई मेरे को, कहने लगी बड़ी मुसीबत में हूँ, अष्टमी के दिन रात 9 बजे देवी के मंदिर में मिलना जरूरी काम है। तो आप मिले? मिला मैं। तो अपने पति को बाहर छोड़ के मंदिर में आई, तो हम लोग पीछे के रास्ते से गली में आ गए, वहां अंधेरा था, वही मैंने इसको पैसे दिए, इतने में वो ढूंढता हुआ ये पति आ गया, इसने मेरे को मारा। मारा? हाँ, सरस्वती के तो इसने कपड़े फाड़ डाले और उसको बालों से घसीटता हुआ ले गया। अच्छा, उस वक्त वहां गिरधर मिश्रा थे? उस वक्त वहां गिरधर मिश्रा थे? कौन गिरधर मिश्रा? ये जो यहां बैठे है ये है? अरे ये साहब, मैं नहीं जानता इसको कौन है ये, वहां तो मैं, शिवराम और सरस्वती के अलावा कोई नहीं था। That's all, my lord. तुमने इल्जाम लगाया है कि सरस्वती देवी से पेशा कराया जाता था। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, जो सच है वो कहा है। इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? किसका? कि वो तुम्हारे पास अपना शरीर बेचने आती थी। इसका डॉक्टरी मुआयना करवा लीजिए आप। आपको इसकी बाई जांग पर एक तिल मिलेगा। सरस, सरस, सरस बेटी, होश में आ बेटी। दुल्हन, दुल्हन होश में आ बेटी, होश में आ। सुन बेटी, मास्टर जी, सरस, दुल्हन, होश में आ बेटी, दुल्हन। दुल्हन, दुल्हन बेटी, होश में आ बेटी, मास्टर जी, दुल्हन, दुल्हन सुन, सुन होश में आ बेटी, दुल्हन, दुल्हन। कोई और सवाल? जी नहीं, तुम जा सकते हो। नमस्कार साहब। कहां जाके मारा साले को? लाल तिल देखा मैंने, और आपने कामता प्रसाद से गवाही दिलवाकर यह साबित कर दिया कि तिल देखा उसने। वाह वाह वाह। ये जो कुकर्म आप लोग करते हैं ना, आप लोगों को बचाने के लिए इससे बड़े कुकर्म हम लोगों को करने पड़ते हैं। बेचारी को फाशा साबित करना पड़ा। अगर कांता प्रसाद ना मिलता और पैसे लेकर वो कहने को तैयार ना होता जो उसने कहा, आप बच नहीं सकते थे। ये क्या कर रहे हो? मारूंगा, उनका खून पीऊंगा, तब तुम्हारे सामने आऊंगा। किस किस को मारोगे? सबको मारूंगा। वो एक नहीं है, तुम्हारा स्कूल वाला है तो कामता प्रसाद भी, वकील है तो म्युनिसिपैलिटी वाला भी, और वो तुम्हारा एमएलए भी जो भीगी बिल्ली बन गया। जानता हूं, जानता हूं, मैं अकेला हूं, वो बहुत है, लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो रावण है, जितने सर काटोगे उतने ही और लग जाएंगे, और उनके कुंभकर्ण और मेघनाथ भी, वो सब बदला लेंगे। ले ले, मार दे, लेकिन मैं उन्हें मारूंगा। फिर पहले मुझे मार दो। मुझे क्यों छोड़ देना चाहते हो? उन कुत्तों से फड़वाने जिन्हें तुम अपने बाद मेरे पीछे छोड़ जाओगे?
थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, आपका बुके मिल गया। जी जी हाँ, शर्मा साहब ने बताया मुझे अभी। मैं खुद ही पार्टी देने की सोच रहा हूं। अच्छा, उसके पहले एसोसिएशन मुझे रिसेप्शन देगी। जैसे आपका हुक्म। थैंक यू, वेरी नाइस ऑफ यू। बाय। अरे भाई, ये क्या है? आपको नहीं मालूम? नहीं। सिन्हा साहब को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। एक केस था रामदयाल का, उसमें सिन्हा साहब ने उन तमाम कैदियों को रिहा करवाया जो बरसों से बिना मुकदमा जेलों में सड़ रहे थे। अरे वो क्या केस होगा, सिन्हा साहब का अवार्ड तो हमारे केस पे मिलना चाहिए। शर्मा जी। जी सर। इन्हें इनके फैसले की नकल दीजिए। जी सर, आइए। धन्यवाद। नमस्कार सिन्हा साहब। आइए आइए आइए। राम नरेश जी, कैसे मिजाज है आपके? बस दुआ है आपकी। बहुत 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 बधाई सिन्हा साहब, बहुत मुबारक। मैंने छोड़ दी है। अरे छोड़िए इन बातों को राम नरेश जी, आज तो आपको लेने ही पड़ेगी हमारे लिए। ठीक है, आपकी जीत की खुशी के खातिर आज। सिन्हा साहब जी, सच मजा आ गया, आपने तो सच में ठंडे घाट दिए। अच्छा, आपको सोडा या चिल्ड वाटर? चिल्ड वाटर। गुड, लीजिए साहब। बस 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 बस। चीयर्स। चीयर्स। शिवराम, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आदमी लड़ता है जब तक स्वस्थ रहता है। मैं कुछ नहीं जानता। उसके खून में रेड वकील जो जानता है उस वक्त बेमानी हो जाता है जब किसी पार्टी का केस ले लेता है। बीमार हो जाता है, लड़ने की ताकत नहीं रहती, समझे? मैं सिन्हा नहीं, मैं एक वकील हूँ। और वकील का काम किसी का सच या झूठ जानना नहीं, कानूनी नुक्ते तलाश करना है। राम नरेश जी। जी। पुलिस की हिरासत में बरसों से पड़े हजारों लोगों का केस मानव अधिकारों का केस था। संविधान ने आदमी को भी कुछ अधिकार दिए जनाब। थैंक यू। और इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा कि आदमी के पैर को छोटा रखने वाला पुराना लोहे का चीनी जूता आदमी के पैर में नहीं, इस सरकार के पैर में होना जरूरी है। सच कहते हैं। मुझे क्यों छोड़ देना चाहते हो? उन कुत्तों से फड़वाने जिन्हें तुम अपने बाद मेरे पीछे छोड़ जाओगे? जितना अपने को कहने की स्थिति में पाता हूं उतना ही कम कम कह पाता हूं। थैंक यू। ऊपर से भाषण देता हूं मगर अंदर से जो कहना चाहता हूं पार्टी लीडर्स और वोटर्स की वजह से नहीं कह पाता। बदल जाता हूं साहब। बात सिर्फ आपकी नहीं है, बात सिर्फ आपकी नहीं है, हमारे साथ भी यही होता है। पहले केस ले लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि जिसका केस लड़ना था उसके खिलाफ ही लड़ रहे हैं। आपके सामने ये लेकिन कभी कभी आती है, हमारे सामने हर घड़ी आती है, और इस लेकिन से बचने के लिए जो करते हैं वो करना नहीं, करने से बचना है। सच्ची लगता है, लगता हम सुअर हैं, गंदगी खाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। अरे जनाब, आप लोग लेखकों के मैदान में क्यों कदम रख रहे हैं? भाई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए बधाई है। शुक्रिया। बुद्धिजीवियों के लिए ये तो गर्व की बात है। कहिए क्या हाल है जनाब? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी। अच्छा, अब किसी भी बात पे नहीं आती। हाँ?
तुम? जी मैं बताने आया हूं। आपने कहा था आप सीना नहीं वकील हैं, जो जानते हैं वो केस लेते ही बेमानी हो जाता है। आपने गलत कहा। आप मेरी मदद नहीं कर सके, आपको जीतना था, लेकिन आदमी जीतता तब है जब वो हार जाता है। बिना देखे नाटक लिखा जा सकता है, लेकिन सच तब बनता है जब उसके लिए आदमी अदालत में खड़ा हो जाता है। देखो, मुझे लगता है तुम्हारा जी ठीक नहीं है। जी नहीं, ठीक हूं, नफरत सी हो गई है बस। गलत सहकर, गलत के बीच जीकर, गलत को देखा अनदेखा करके उसका एक हिस्सा बनकर। लेकिन फैसला तो जज ने दिया है। जी नहीं, आपने एक झूठ घड़ लिया और सबको मजबूर कर दिया उसे सच मानने के लिए, और वो झूठ मेरे गले में बांध दिया एक लकड़ी के खूंटे की तरह, हर वक्त मेरे घुटने तोड़ने के लिए। ये आदमी नहीं है। आदमी की बात करता है लेकिन खा जाता है आदमी को, उसके सच को, उसके इंसाफ। शिवराम, देखो, मेरी तुमसे कोई निजी दुश्मनी तो थी नहीं। होती तो आप मुझे मारते और एक दो को मारते, लेकिन आप तो हर रोज सुबह शाम सबको मारते हैं, उन सबको जो निर्दोष है, मासूम है, बेजुबान है, जिनकी जुबान आपकी जुबान के आगे और जिनके तर्क आपकी अकल के आगे कुछ नहीं कर सकते, बस कट कर गिर पड़ते हैं। अरे, इसे कोई समझो। आप ये पीते हैं जिन्होंने आदमी के हक और सच की बात कही है, जहर के प्याले पिए हैं, गोलियां खाई है, फांसी खाई है। शिवराम, शिवराम, ये क्या करते हो? छोड़ो ना, छोड़ो। अरे शिवराम, ये छोड़ो ना, क्या करते हो? छोड़ो, छोड़ो। मैं आपको मार सकता हूं पर नहीं। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है कि आदमी को मारने से चेतना मर जाती है, और मैं जगाना चाहता हूं एहसास कि जीना काफी नहीं है, हम सब जुट गए। जीने से, आसानी से जीने से, आसानी से जीतने से, कुत्तों की तरह आसानी से पंजों में मुंह देकर सो जाने से। और आदमी की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते, आदमी खुद लड़ेगा। जो आदमी आया था ना, गेट पे बैठा है। हाँ साहब, शिवराम, शिवराम। अरे भाई, यहां क्या कर रहे हो? जान दूंगा आपके घर के बाहर,
लेकिन इसकी क्या जरूरत है? चेतना जगाना चाहता हूं। जीना काफी नहीं है, सही को गलत होने से बचाने के लिए जुड़ना होगा जीने से, मरने की हद तक। मर जाओ, जी जाओ।